इट्स अ नाइस प्रॉपर्टी यार, बट डोंट यू थिंक थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ेगा हमें? I know यार, but at the end of the day facilities देखो ना कितनी है. I mean swimming pool, gym, सब कुछ है वहाँ. I know, but इससे better है कि bathroom की नाली block करके swimming कर लो और weights की जगह पोछे की बाल्टी उठा लो. So unreal man, कभी सपने बड़े भी देख लिया करो. You're right. आज सोच रहा हूँ 9-10 घंटे सो लूँ. क्यों? ओ सपने बड़े देखने के लिए. ओ प्लीज यार सिड. रेंट कितना है इसका? I don't know, पर हम तो खरीद रहे हैं ना. देखो सिर्फ 35 लाख डाउन पेमेंट है और उसके बाद जो भी EMI होगी ना वो हमें रेंट से भी कम पड़ेगी. मतलब we'll be saving 3500 रुपीस पर मंथ यार. एक मिनट 3500 रुपए बचाने के लिए मैं 35 लाख रुपए फूंक दूं? वाओ व्हाट एन आइडिया यार, भारत रत्न मिलेगा तुमको. अरे फूंकना थोड़ी ना है यार, हमारे पास अपनी छत होगी. अरे तो रेंट वाले छत ओपन टू स्काई थोड़ी होते हैं, छत तो उनमें भी होती है. But there is also a sense of security, na Sid. अरे security guard तो rent वाले घरों के बाहर भी खड़ा होता है. Not that security, you idiot. It's like having our own asset. I mean, कल को अगर कुछ 19-20 हो जाता है तो हमारे पास खुद का कुछ तो होना चाहिए ना. तो 19-20 होगा तो क्या घर बेच देंगे? Yeah, I mean, in worst case scenario. And फिर रहेंगे कहाँ? Rent पे. तो सोचो 19-20 अभी हो गया. In fact, 20-21 हो गया. हम लोग rent पे ही रह रहे हैं. Come on यार, Dad always asks me कि सिड के अपने नाम क्या है. अरे बड़ा कुछ है यार. जैसे? License, PAN card, आधार card, voter ID. और assets? तेरे पापा. Brutal you are. अरे मजाक कर रहा था यार. But you only tell me कि देखो प्रॉपर्टी के प्राइसेस कितने गिर रहे हैं आजकल. इससे अच्छे दाम में ना हमें प्रॉपर्टी मिल भी नहीं सकती. और जब टेबल पे बैठ के बात करेंगे ना तो रेट्स और भी कम हो सकते हैं. चेयर पे बैठेंगे तो? मतलब यू से टेबल पे बैठेंगे तो ग्लास गिर सकता है ना. डू यू थिंक ये मजाक का टाइम है? इट इज. यू जोकिंग सिंस पास्ट हाफ एन आवर. बट प्रॉब्लम क्या है यार, इट्स सच अ गुड फीलिंग टू हैव योर ओन हाउस. और पता है नवरात्रि भी आ रहे हैं. तो उससे क्या होता है? कहते हैं अच्छे काम नवरात्रों पे करने से ना जिंदगी में सब शुभ रहता है. तो ब्रेकअप कर लेते हैं ना. लिसन आई एम नॉट लाफिंग एंड दिस टाइम डैड इज वेरी सीरियस कि शादी ना तभी होगी जब तुम्हारे पास कुछ फिक्स्ड होगा. हाँ तो है तो मेरे पास वो 40,000 का फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड असेट होगा तब. अरे यार बेकार की बहस. कल को ये पता तो है नहीं कि जॉब कहाँ लगनी. अगर बंदा रेंट पे हो तो कहीं भी शिफ्ट हो सकता है. ऐसे तो बंदा कभी अपना घर बनाया ही नहीं यार. मतलब हर 3 साल हवन करने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से हवन करके हम अपने घर में एंटर हो. तुम्हें हवन से प्रॉब्लम है ना? हाँ नहीं करेंगे हवन. अरे स्टॉप इट यार, आई हैव डिसाइडेड इट इज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी एंड वी आर गेटिंग अ ग्राउंड फ्लोर. आई मीन पीछे पूरा स्काई एरिया है, वी हैव एन एडजॉइनिंग पार्क एंड आने वाले टाइम में प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप एंड सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर ऊपर जाएगा. ग्राउंड फ्लोर कैसे ऊपर जाएगा? वो तो नीचे ही रहेगा ना. आई मीन प्राइस यू इडियट. अच्छा लिसन, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज इट छोड़ दो. एक काम करते हैं, दोनों 50-50 इन्वेस्ट कर लेंगे. तुमको पता है योर फ्रेंड मैरी हैज हर ओन हाउस. आई मीन शी सोल्ड हर गोल्ड टू हैव इट. अरे यार नौकरी नहीं है हाथ में और तुझे बिस्किट्स की पड़ी है. मैरी गोल्ड 50-50 पैसे और मेरा रिलेशन हमेशा हाइड एंड सीक कर रहा है. ये बात पता है ना तुझको? तो फिर सड़ो और हर 3 साल बाद अपना घर शिफ्ट करो. But I am not marrying a loser like you who can't even give me a roof. अभी तो तुझे ground floor चाहिए था, अब roof. Shut up, Sid. मैं रख रही हूँ, bye. नहीं है यार पैसे. कौन खरीदता है घर इस टाइम पे? नहीं आप ही लोग बता दो आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो. अगर प्राची को कर रहे हो तो ये कमेंट कर दो # अपना घर प्राची. या अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो कमेंट कर दो # किराए पे सिद. क्योंकि भैया अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो पैसे चाहिए होते हैं. और पैसे कैसे आते हैं? सब्सक्राइबर्स. सब्सक्राइब कौन करता है? आप लोग. तो कर लो ना सब्सक्राइब यार. देखो इस मंथ के एंड तक लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए तो आप सबको एक एक घर आपके अपने पैसे से. हाँ तो कर लो प्लीज, प्लीज कर लो यार. बाय.